वेलकम दोस्तों, शांति किचन में आपका स्वागत है। आज नई रेसिपी के साथ आई हूँ। सो आज मैं सोजन के सब्जी बनाने वाली हूँ। ये सोजन है, थोड़ी सी है, इसको कहीं कहीं तो पावा हिस्सा में बिकती है, तब मान लीजिए कि एक पाव है। और इसको बकले अच्छे से हटा ली हूँ, इसके जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से देखिए हटा ली हूँ। और इतना बड़े बड़े हम काट लेंगे। और इसको धुलाई करके मैं सभी को रख ली हूँ। आलू दो रख ली हूँ, टमाटर दो है, एक प्याज दी हूँ, और ये कच्चा मिर्ची है। ये सबको मैं पहले तेल देके फ्राई कर लूँगी और मसाला को ग्राइंड में दे दूँगी। जो मसाला देनी है, जीरा, लाल मिर्च, धनिया, गोल मिर्च, लहसुन की कुछ कलियाँ हैं, 8 से 10, सरसों। ये मसाला इसमें सरसों से बहुत टेस्टी बनती है। सरसों लहसुन तो चाहिए ही दोस्तों, क्योंकि सरसों लहसुन से सजन की तरकारी बनती है। और ये जो टमाटो, ये सब जरूरी है। सो हम यहाँ हम तेल दे दे रही हूँ। सबसे पहले हम तेल गरम होने तक हम वेट करेंगे। तेल गरम हो चुकी है, इसलिए इसमें हम पहले हम सजन के दे दूंगी। तो दोस्तों ये हम सोजन रख लिए, इसमें आलू भी ऐड कर लेती हूँ। दोनों को एक साथ हम फ्राई कर लेंगे, ब्राउन होने तक मैं फ्राई करती रहूँगी। तो दोस्तों इसमें हम इसको फ्राई करूँगी जब तक ब्राउन थोड़ी ना हो जाए। और ये सोजन की सब्जी जो होती है सीजन में खानी चाहिए, जो ये बहुत प्रोटीन होती है और इसको खाना बहुत है। इसका सोजन के जड़ से लेकर पत्ते तक इसको हम लेते हैं, जो सभी लाभदायक होती है। इसको हम ब्राउन होने तक ऐसे हम रखूंगी दोस्तों। ऐसे हम इसको हम 5 मिनट तक भूनूंगी, ब्राउन होने तक, जब तक हम इसको ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सर में। इसमें मैं डाल लेती हूँ, इसको हम ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें हम टमाटर जो हम काटी उसमें से आधा हम टमाटर भी रख लेंगे, क्योंकि इससे हम मसाला अच्छी तरह से पीस जाती है जल्दी से। और इसमें हम पानी थोड़ा दूंगी, क्योंकि इसमें से जो टमाटर का पानी जो निकलती है इससे हमको मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगी। इसको हम ग्राइंड करके दिखाती हूँ, जब तक इसको हम भाजती रहती हूँ उधर मसाला भी रेडी कर लूँगी। हाँ, तो दोस्तों देखिए इसको अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसको हम निकाल लेती हूँ, इसको सबको हम निकाल के। तो दोस्तों देखिए सभी निकाल ली हूँ। अब इसमें हम तेल जो बाकी है इसमें रखा है बचा हुआ, इसी में हम तेल है ही, इसमें हम 5 फोरन डालूंगी और प्याज डालूंगी। और मिर्ची भी ऐसे डाल दूंगी। ये सब के हम थोड़ी देर भूंज लेती हूँ, ज़्यादा नहीं भूंजूंगी क्योंकि थोड़ी सी ब्राउन करूँगी। अब इसमें मसाला ऐड कर लूँगी। हाँ, तो दोस्तों देखिए प्याज भून चुकी है। बहुत इजी तरीका है बनाने का, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जो हमारे घर में मसाले होती है उससे हम बना लेते हैं और हेल्दी होती है, इसलिए हम इसको अच्छे ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं। ये हल्दी डाल देती हूँ इसमें। हल्दी तेल में डालने से थोड़ी कलर अच्छी आती है। और इसमें जो मसाला है वो हम ऐड कर दे रही हूँ। अब इसको एक तरफ भूंज लेती हूँ। और टमाटर जो है उसको भी डाल देती हूँ। आधा टमाटर मैं मिक्स ग्राइंड करी हूँ, आधा टमाटर मैं रखी हूँ, 2 छोटा छोटा टमाटर थे मीडियम साइज के। और प्याज 1 डाली हूँ। अब इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह से दोस्तों। देखिए कितनी अच्छी कलर आ जाएगी। कलर आने तक मसाला तो मैं कांचा डाली हूँ अपने, मैं खुद से मसाला बना कर डालती हूँ, बाहर वाले मसाला नहीं मैं डालती हूँ। और इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ, क्योंकि इसका जो कच्चापन है सो हट जाएगी और स्वादिष्ट होगी। ऐसे हम 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। हाँ, तो दोस्तों देखिए अभी भून गई है 5 मिनट में, थोड़ी हो चुकी है। इसमें नमक भी ऐड करूँगी अपने स्वाद अनुसार। मैं तो छोटी चम्मच है इसलिए 1 चम्मच डाल रही हूँ।
क्योंकि टमाटर रखने से थोड़ी नमक देनी होती है, क्योंकि खट्टा से नमक की स्वाद कम हो जाती है। इसलिए हम एक चम्मच छोटे चम्मच इसको मैं धुलाई करके रख देते रही हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका कलर थोड़ी आ गई है, अब 5 मिनट भून चुकी है, अब हो जाएगी। अब इसमें हम हाँ तो दोस्तों ये जो मैं भून के रखी हूँ ये सब डाल देती हूँ। मसाला तो भून चुकी है, इसको मैं डाल देती हूँ, और धनिया पत्ता भी है जो थोड़ा, इसको भी ऐड कर दे रही हूँ। अब इसको हम थोड़ी टाइम चला लेती हूँ। धनिया पत्ता, टमाटर और सरसों के जहाँ जहाँ मसाला है वहाँ धनिया पत्ता थोड़ी देनी चाहिए कि उसका स्वाद बहुत अच्छी होती है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है। इसको मैं पानी दूंगी, पानी भून चुकी है, थोड़ी टाइम और भून लेती हूँ। इसको थोड़ी देर ढक दे रही हूँ 2-3 मिनट के लिए। हाँ तो दोस्तों इसको मैं देखती हूँ। हाँ तो देखिए तेल जो है अरी अरी ये छूटने लगी है। मेरी जो मसाला सब्जी भून कर तैयार हो चुकी है, इसमें हम पानी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है। 5 मिनट में मसाला भून ली हूँ, और इसको 10 मिनट 5 से 10 मिनट तक इसको आलू सीझने तक मैं इसको पानी रख के सिझाऊंगी। सो मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी लगती है, इसलिए हम थोड़ी पानी दूंगी। और देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है, बहुत स्वादिष्ट होती है सहजन की सब्जी। साल में सीजन में जो आती है उसमें हमको ज़रूर खाना चाहिए। और देखिए बहुत टेस्टी होगी आपको सहजन की सब्जी। इसको मैं कवर कर देती हूँ 10 मिनट तक। हाँ तो दोस्तों देखिए मेरी 10 मिनट हो चुकी है। मैं सब्जी अभी खोल के देखती हूँ, और मीडियम फ्लेम पर मैं इस सब्जी को पकाई हूँ 10 मिनट तक। देखती हूँ कैसी हो गई है मेरी सब्जी। वाओ क्या स्वादिष्ट सुगंध आ रही है। देखो तो बस पक गई है, आलू भी पक गई है, आप देख सकते हो दोनों पक गई है। सो मैं दबा के देखती हूँ, देखिए बहुत अच्छे से पक गई है, आलू भी पक गई है। इसलिए हम इस गैस को बंद कर देती हूँ और सर्व करके दिखाती हूँ। और मैं डिनर में ले सकते हैं, नाश्ते में ले सकते हैं, और इसको मैं पराठे के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। कितनी सुगंध हो रही है सब्जी में, आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सब्जी मैं अपने हाथों से बहुत अच्छे से बनाई हूँ, क्योंकि होटल में इतनी अच्छी सब्जी नहीं बनती। और मैं दिखाती हूँ, सर्व करके दिखाती हूँ। सो दोस्तों बनकर रेडी हो चुकी है जो मैं डिनर में ली हूँ। आप इसको ऐसे ले सकते हैं, नाश्ते में ले सकते हैं, पराठे के साथ मैं ली हूँ। देखिए दोस्तों कितने देखने में अच्छी लग रही है, बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत हेल्दी होती है, आपके बच्चे भी खाएंगे आप ऐसे अगर बनाए घर में तो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करो दोस्तों में, और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।